जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, टेक्नो पोवा 3 आज फाइनली लॉन्च हो चुका है। चलो उसके बारे में सब बताता हूँ। यहाँ पर आपको 6.9 इंच का एक फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्किन प्रोटेक्शन, पंचोल रहेगा, चिन थोड़ा सा कम किया है टेक्नो, अच्छा लग रहा है अभी भी, लेकिन ठीक है। फ्लैट डिस्प्ले है। देखो यार, पहली बात स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि भाई 6.9 इंच का स्क्रीन है, काफी बड़ा स्क्रीन साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो जब भी कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, गेमिंग करोगे, तो काफी मजा आएगा, खास के मूवीज देखने में काफी मजा आएगा। और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो स्मूथनेस वाला फीलिंग रहेगा। ओवरऑल डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस अच्छे लगे। अगर कैमरास की बात कर ले तो कैमरास भी ठीक ही है। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग मिल जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे हैं, ये तो मैं बताया, मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग कुछ कुछ जगहों पे मेंशन किया गया है कि 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग है। आई होप सो मैक्रो दे। और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा पंचोल के साथ। चलो सेल्फी तो अच्छा दिया, 5 मेगापिक्सल का तो नहीं दिया। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता ही नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। मजाक कर रहा हूँ यार, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। थैंक गॉड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया टेक्नो, क्योंकि इससे डिजाइन काफी इनहांस हो जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देने की वजह से। यहाँ पर आपको UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट मिल जाता है, LPDDR4X RAM टाइप भी है, 7000 mAh का बैटरी है। भाई जिनको ज्यादा बड़े बैटरी वाले फोन्स पसंद होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो 6000 mAh बैटरी वाला फोन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप दे देता है। ये तो यार फिर भी 7000 mAh दे देता है, ये बहुत ज्यादा है। 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में दिया है टेक्नो। टेक्नो का दिल बहुत ही बड़ा है, बाकी ब्रांड्स की तरह नहीं कि चार्जर बॉक्स से निकाल दे रहा है। टेंशन मत लो, आने वाले टाइम में ये भी निकाल देगा। अभी जितना अपना दरिया दिली दिखा दे रहा है। अच्छा बात नहीं है। Android 11 दियो यार इस फोन में। Tecno Power 3 एक नया फोन है, नए फोन में तो कम से कम Android 12 दो, Android 13 आ चुका है यार। और Google कौन सा आपको एक्स्ट्रा पैसा मांग लेगा, वो तो खुशी खुशी देगा भाई कि उसका नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। कम से कम यार नया सॉफ्टवेयर तो डालने की कोशिश करो, इतनी कंजूसी मत करो, फिर अपडेट देते वक्त आपको दिक्कत होगा। नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिलीज करोगे, कम से कम आपका टेंशन तो नहीं रहेगा। हाँ भाई, इसमें Android 12 का अपडेट है, सिक्योरिटी पैच अपडेट देने होंगे। कम से कम खुद तो सोच के देखो यार, आपका किसमें फायदा है किसमें नुकसान है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, साउंड क्वालिटी अच्छा रहेगा, जेड एक्सिस लाइनर मोटर भी है और नेचुरल वाइब्रेशंस रहेंगे। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो MediaTek इस बार ही अच्छा प्रोसेसर दिया है, MediaTek Helio G88, जो एक 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। माली G52 MC2 का GPU मिल जाता है। देखो यार, ये आपको हाई ग्राफिक्स पे ठीक ठाक गेमिंग करवा देगा, डे टू डे लाइफ पे स्मार्टफोन अच्छे तरीके से वर्क करेगा, अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन ये बैटरी बहुत ही ज्यादा खाता है, ठीक है, याद रखना 12 NM पे है, बहुत ज्यादा बैटरी खाता है। मगर क्यों? अब चलो यार बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। डिजाइन वाइज देखोगे तो आपको ये स्मार्टफोन एकदम फ्रेश न्यू डिजाइन के साथ दिखाई देगा, नया पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, नए यहाँ पर आपको लाइंस वगैरह देखने को मिलेंगे, कलर्स भी काफी अच्छे हैं, कैमरा हाउसिंग देखा जाए सैमसंग के फोन में आपको ऐसा कैमरा हाउसिंग देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो फोन के पैटर्न वगैरह है वो स्मार्टफोन को नया कर देते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे कलर वेरियंट्स में भी अवेलेबल है, आप बताना आपको कौन सा कलर वेरियंट अच्छा लगा। आगे से देखोगे तो पंचोल है, चिन थोड़ा सा है कह सकते हो, लेकिन फोन पंचोल के साथ आता है तो देखने में प्रीमियम लगता है। बिल्ड वाइज देखोगे तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, आगे एक और रिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। डिजाइन वाइज अच्छा लगा मेरे को, मजा आया। अब चलो यार बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज फिलीपींस में लॉन्च हो गया है, दो रैम वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। बेस वेरिएंट है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 13,300 रुपये, 13,300 रुपीज़। और 6GB रैम, 128GB स्टोरेज है, जिसका प्राइस है 13,900 रुपये, यानी कि 14,000 रुपीज़, 14,000 रुपये। तो आपको प्राइजेस कैसे लग रहे हैं, आपके क्या रिएक्शन है, ओपिनियंस है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। अब चलो यार बात कर लेते हैं इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में, क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, आएगा तो कब तक आएगा, किस प्राइस पे आएगा, अपने को रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। देखो यार, मैं आपको बताया था एक हफ्ते पहले टेक हेडलाइंस के एपिसोड में, टेक न्यूज में, कि ये स्मार्टफोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। इंडिया में आएगा तो उसका प्राइस 10,999 रहेगा, मतलब कि 10 से 11,000 रुपए के आसपास ये लॉन्च होगा। उससे ऊपर जाएगा तो अपने पास अच्छे फोन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन 10 से 11,000 रुपए के आसपास ही ये बैठेगा उसका प्राइस।
अब रहा सवाल कि भैया कब तक लॉन्च हो सकता है, अब देखो यार मुझे जहाँ तक पता चला है जून एंड तक ये लॉन्च हो सकता है इंडिया में। फिर भी अगर मेरे को इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे मैं आपको टेक न्यूज में बताता रहूंगा। अब रहा सवाल क्या वाकई में हम लोगों को इस फोन के लिए वेट करना चाहिए, देखो यार जिनको बड़े बैटरी वाले फोन की तलाश है वो वेट कर सकते हैं भाई, अच्छा पैकेज है। जिनको ज्यादा बड़ा बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है 6000 mAh 7000 mAh भाई आप रुक जाओ, आपके लिए ये फोन बना हुआ है। लेकिन जो 10000 रुपए के बजट में एक अच्छा फोन खोज रहे हैं भाई आप जाओ ना इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले खरीद लो, कल ही परसों लॉन्च हुआ है, अच्छा फोन है वो तो 8500 रुपए में आपको मिल जाता है। 10000 रुपए का बजट है तो मोटोला के बहुत अच्छे अच्छे फोन है उनकी तरफ चले जाओ, मोटो E32S परसों लॉन्च हो रहा है वो भी एक अच्छा पैकेज है उसको देख लो, और भी एक अच्छा मोटोला का फोन है वो आपको मैं यहाँ पर उसका नाम मेंशन कर दूंगा उसको भी जाके खरीद लो, बहुत अच्छा फोन है वो। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, जिनको बड़े बैटरी वाले फोन की तलाश है वो रुक सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद वंदे मातरम। We'll be right back.